जय श्री माता जी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग नाभि चक्र के बारे में बात करेंगे, फिर ध्यान की अवस्था में जाएंगे। नाभि चक्र तीसरा चक्र है। शरीर में स्थान नाभि में विराजित अधिष्ठाता श्री लक्ष्मी नारायण। इनके गुण हैं परम शांति, संतुष्टता, आर्थिक संपन्नता, पारिवारिक सुख, उदारता, खोज, जिज्ञासा। इसके कार्य हैं पेट, अतड़ियां, जिगर एवं पाचन क्रिया का संचालन। इसके विकार के कारण कंजूसी करना, दवाओं का अत्यधिक सेवन करना, खाने पीने के विषय में अधिक ध्यान देना, घर गृहस्थी और धन की चिंता, अनैतिक धनार्जन। इसके परिणाम है पाचन क्रिया का खराब होना, गठिया आदि रोग, असंतोष, धन की कमी। हाथ पर संकेत बड़ी अंगुली मध्यमा। दिन बृहस्पतिवार। राशि बृहस्पति। पंखुड़िया 10। रत्न है पन्ना। तो जब यह नाभि चक्र हमारा बिगड़ता है तो इससे हमें क्या नुकसान होते हैं? शरीर में कमजोरी होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, पाचन संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारी इच्छा शक्ति में कमी हो जाती है, हमारा मानसिक और शारीरिक असंतुलित हो जाता है। और जब यह नाभि चक्र जागृत हो जाता है तो हमें इससे क्या फायदे होते हैं? शरीर में कमजोरी नहीं होता, हमें हमारा पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है, हम बीमार नहीं होते, पेट से संबंधित हमें कोई भी समस्या नहीं होती और हम हमेशा खुश रहते हैं। तो नाभि चक्र से संबंधित जो राग है उस राग का नाम है राग आभोगी। तो आइए अब हम राग आभोगी का आरोह अवरोह गाते हैं।
और ध्यान की अवस्था में बैठोगे। जय श्री माता जी।